हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर ये देखिए, अब फॉल बढ़िया से स्टार्ट हो गया है और अब ये सारे जो ट्रीज हैं, एक पेड़ तो एकदम ऑरेंज होके पूरा झड़ भी गया, उसके पूरे पत्ते ही नीचे गिर गए हैं और सारे जो अब ट्रीज हैं वो सारे ऑरेंज हो गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, हमने लीची के कुछ पौधे लगाए थे, लीची के बीज हमने इसमें ग्रो किए थे और वो अच्छे से लग गए हैं। अब गणेश विसर्जन का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये हमारे घर का है, हमारे जो हमारा जो मायका है यूपी में, वहाँ का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे मम्मी पापा हैं जिन्होंने ये गणपति जी को विसर्जित किया है। एक्चुअली जो हमने गणपति जी रखे थे ना, उनको हमें विसर्जित नहीं करना था, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था, हमें उनको स्थापित ही करना था अपने घर में। इसलिए हमने ये गणेश चतुर्थी का दिन चूज किया था और यहाँ पर जो मम्मी पापा हैं वो हर साल रखते भी हैं और विसर्जित भी करते हैं। हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये मम्मी पापा ने यूपी में एक्चुअली विसर्जित किया था, तो हमने सोचा कि चलिए, हमने स्थापित अगर किया था आपके सामने, तो एक विसर्जन का आपके सामने शेयर कर दें। और देखिए, ये उन्होंने बकेट सॉर्ट ऑफ थी, उसमें उन्होंने विसर्जित किया था और यहाँ पर नीचे से वो भगवान जी को देख रहे थे पानी में से। बहुत ही अच्छी ये सारी अपने जो ट्रेडिशन है ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हमने आपके साथ शेयर किया था अपने लास्ट ब्लॉग में कि हमने टेबल रनर और ये जो सॉसर्स और प्लेट्स वगैरह रखने के लिए होते हैं ना, ये हमने बेस वगैरह लिए थे कुछ, तो हमने सोचा कि वॉश करके और आपके साथ शेयर कर दें कि यहाँ पर ये कैसा लुक आ रहा है। सो ये ब्रेकफास्ट टेबल पर हमने पूरा ये सेटअप लगाया है। आप भी बता सकते हो कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें ये चीजें ना चेंज करते रहना पसंद है। और ये हम अभी लाए थे टेबल रनर, लास्ट ब्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था, तो सोचा क्या स्प्रेड करके आपके साथ शेयर कर दें। सो हमने ये भी आपके साथ शेयर कर दिया। और इसके अलावा ना, ये हमें काफी अच्छा लगा, व्हाइट कलर ना काफी अच्छा लगता है घर में। और ये देखिए, ये ब्लॉग है और जो कि त्रिशिका और उसके पापा को काफी इंटरेस्ट है। त्रिशिका भी आजकल काफी ब्लॉगिंग ये ब्लॉग जो है ना, ये लगाना सीख रही है और उसने ये पूरे ब्लॉग्स जो है ना अपने पापा के साथ मिलके लगाया। वो और पापा ने ही लगाए हैं, बट हाँ वो भी साथ में थी, तो उसने काफी हेल्प की और उन दोनों ने ही मिलके ये पूरा यूनाइटेड स्टेट का जो पूरा मैप है ना, ये लगाया है। चलिए अब चलते हैं किचन में। तो किचन में हमने बनाई थी एक्चुअली ब्राउनीज। त्रिशिका को जो चॉकलेट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो बहुत ही चाव से खाती भी है और इवन बनवाती भी है, अभी आप देखिएगा। तो हमने एक पैन में ना अच्छे से बटर पेपर स्प्रेड करके, देन उसमें बटर बटर जो स्प्रे होता है ना, उसको स्प्रे कर दिया है। देन यहाँ पर हमने जो रेडीमेड ब्राउनी के मिक्स आते हैं ना, हम वो यूज कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे कॉस्को पे मिल जाते हैं इजीली, तो यही हमने हाफ पैकेट लिया है और हमें बिल्कुल पतला पतला इसको बनाना था। बस आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। ये हाफ पैकेट के लगभग हमने इसमें लिया है और देखिए, त्रिशिका आ गई है और वो चॉकलेट की चीजों को इतना पसंद करती है कि ये अभी रॉ ही खाने लगी थी, टेस्ट कर रही थी वो, और उसको ये बहुत ज्यादा पसंद है। सो यहाँ पर हमने ये जो ब्राउनी मिक्स है इसको लिया। देन इसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही रफली जो फोक है, फोक को चला दिया है इसमें कि कोई बड़े बड़े पीसेस ना हो, गुठली जैसे ना हो। सो बस उसको हमने एक बार देख लिया है। देन इसमें जो ब्राउनी का पैकेट आता है ना, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं, तो उसमें ऑयल और पानी और एग्स वगैरह ऑयल करने होते हैं। सो हम लोग एग्स वगैरह तो नहीं खाते हैं, तो हमने थोड़ा सा ऑयल और वाटर ऐड किया था। सो यहाँ पर हमने लगभग 1/4 कप के लगभग यहाँ पर हमने ऐड किया था इसमें ऑयल। लेकिन अगर आप इसमें ऑयल नहीं भी ऐड करेंगे ना, तब भी अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने अभी तक कभी भी इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम हमने ऑयल इसमें ऐड किया था। तो हमें ऑयल हमें ऐसा लगा कि ऑयल नहीं भी ऐड करेंगे ना, तब भी ब्राउनी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। सो इसमें तो लिखा होता है कि हाँ ऑयल ऐड करना है, तो हमने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो एज इट इज ही हम शेयर करें। तो लेकिन हमें लगता है कि अगर आप ऑयल नहीं भी ऐड करोगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। सो यहाँ पर ना
हमने ऑयल ऐड किया है, मिक्स कर दिया, देन थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और हमें ना ब्राउनी थोड़ी सी गुई चुई सी बनानी थी, तो हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है। इन केस आपको सॉलिड जैसी बनानी हो ना, जैसे केक वगैरह बनता है, तो फिर आप थोड़ा पानी कम ऐड करके देन इसको मिक्स करें। और प्री हीटेड ओवन में उस पर लिखा होता है एक्चुअली बॉक्स पे 325 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको 325 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको प्री हीट ओवन में रखना होता है। तो हमने एक्चुअली ये बना के तैयार कर ली थी, और इसके बाद वो जो क्लिप थी वो बिल्कुल पता नहीं मिस हो गई, और इसलिए हम आपके साथ पूरा जो इसका आउटकम है, जो इसका रिजल्ट है, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। पर स्टिल ये जो पैकेट है ये कॉस्को वगैरह पे मिल जाते हैं, क्रोगर पे मिल जाते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत ही क्विकली और बहुत ही टेस्टी ये केक वगैरह के मिक्स जो होते हैं ना, वो काफी अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो आप चाहो तो बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हो, और इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है, और बहुत ज्यादा हेडेक भी नहीं होती लाइक कि इसमें कितना क्या मिलाना है, कितना क्या नहीं मिलाना है। जिनको जैसे होते हैं ना बिगनर्स वगैरह, तो वो लोग ये सारी चीजें ना, ये प्रीमिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये क्रोगर, वॉलमार्ट और कॉस्को वगैरह पे काफी मिल जाते हैं। पम्पकिन स्पाइस वाले आजकल काफी केक मिक्स और कुकीज मिक्स मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। और हमने यहाँ पर ये बस इसमें जो केक टिन वगैरह तैयार किए थे ना, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है, और बस अब ये सीधा जाएगा अवन में, और ये बहुत ही अच्छे से कुक होके तैयार हो गई थी। जैसा कि हमने बोला, हमें लगता है कि इसमें ऑयल की जरूरत नहीं होती। हमने फर्स्ट टाइम ऐड किया था क्योंकि हमने सोचा कि ये वीडियो और ब्लॉग हम बना रहे हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे, तो एज इट इज करें, जो भी इंस्ट्रक्शन इसके बॉक्स पे लिखे थे वैसे। बट इसमें जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी ऑयल वगैरह ऐड करने की। और यहाँ पर हमने 325 डिग्री सेल्सियस वाले अवन में इसको रखा था, और इसके बाद ये बनके तैयार हो गई थी, और काफी अच्छी बनके तैयार हुई थी। आप चाहो तो बिल्कुल जैसा कि हमने बोला ना, आप एक बार ट्राई कर सकते हो प्री मिक्स किसी भी चीज का। सो ये तो बनके तैयार हो गई थी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि उसके जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्लिप मिस हो गई। और यहाँ पर हम लोग लेके जा रहे हैं त्रिशिका को एक्चुअली डॉक्टर के पास, उसका डॉक्टर चेकअप था, और अभी हर 6 मंथ में त्रिशिका का डॉक्टर चेकअप होता है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें कि एक्चुअली त्रिशिका नॉर्टन हेल्थ केयर में ही हुई थी, और उसी के ही हम लोगों ने डॉक्टर्स लिए हैं। आई मीन वो अपने हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप यहाँ से ही डॉक्टर ले सकते हो, तो उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को बताया था, और त्रिशिका काफी अच्छे से नॉर्टन में डिलीवरी वगैरह काफी अच्छा सब हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि नॉर्टन के ही डॉक्टर को हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने नॉर्टन में ही त्रिशिका को दिखाना स्टार्ट किया है, और बहुत ही अच्छे वहां पर डॉक्टर हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर दें थोड़ा सा हॉस्पिटल, थोड़ी सी चीजें, त्रिशिका कितना एंजॉय करती है। अभी तो उसको जैसे ही पता चला कि डॉक्टर्स के पास जाना है, तो वो थोड़ा सा वरी हो गई थी, आई मीन थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, लेकिन फिर धीरे 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 उसको समझ में आ गया था कि जाना तो है ही, जो भी है देखते हैं। सो बस वो थोड़ी सी अभी ना अपसेट जैसी थी, क्योंकि उसको पता था कि डॉक्टर के पास जाना है तो अब इंजेक्शन वगैरह ये वो। वैसे अभी हम लोगों ने इस बार त्रिशिका को फ्लू शॉट दिलवाया है, एक ही लगा है, आई मीन इंजेक्शन, और थोड़ा सा बस थोड़ा 2 सेकंड के लिए वो बस थोड़ी सी चिल्लाई थी, बट आराम से उसने लगवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये है नॉर्टन हेल्थ केयर का हॉस्पिटल, इसमें हमारी डिलीवरी नहीं हुई थी एक्चुअली, इनका दूसरा जो हॉस्पिटल है उसमें हुई थी। ये बच्चों का हॉस्पिटल है नॉर्टन का ही, और बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, बहुत अच्छे इनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम लोगों ने डिलीवरी के टाइम में लिया था ना डॉक्टर्स, वो पूरी फीमेल्स का ही ग्रुप था, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट सब बहुत अच्छा है इनका। सो बस हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर विजिट पर, और हम आपके साथ शेयर करते हैं कि त्रिशिका कितनी अच्छे से इंजॉय करते हुए, लेकिन थोड़ी सी वो वरी थी, और बाकी तो उसने काफी अच्छे से मैनेज कर लिया था। आई मीन जाके ज्यादा सबसे बात वगैरह भी की अच्छे से, एवरीथिंग उसने काफी अच्छे से डील कर लिया था। तो
बच्चों के साथ होता है ना कि जब बच्चे को पहले से आप बता दो तो उनको पता होता है कि हाँ अभी ये ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इस तरीके से उनको पहले से थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाता है। तो बस यहाँ पर वो थोड़ी सी वरी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से डील कर लिया, सबके साथ अच्छे से बात की। एक फ्लू शॉट उसको लगा है जैसा कि हमने बताया, उसने वो भी अच्छे से मैनेज कर लिया और फिर हम लोग आराम से उसका सब कर करा के फिर घर आ गए थे। और तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ ये सारी चीजें भी शेयर करें। और त्रिशिका ने काफी इंजॉय भी किया, थोड़ा सा वरी भी रही लेकिन इंजॉय भी काफी किया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप, जो सारे हफ्ते की छोटी छोटी सी क्लिप्स थी वो हमने रेंडमली आपके साथ शेयर की हैं। तो ये है सारा आज का वीडियो और ब्लॉग। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। No help. Come here. Come here. Come back. Oh no. Oh no. What happened? B. Did you see B? Careful. Yes. Did you see Bumblebee? What did you see? She's not taking any medication at this time, yes. Mama Jan, right? Yes. It's the Bumblebee. 29 pounds and 5 ounces, mom and dad. Okay. Hello. Look here. Look at mama. Look at mama. Trishika. Oh. See. Okay. संभाल के बेटा, हाँ देख घूम जाएगा बेटा वो, देख के, हाँ देख के, देख के। अरे फिर कहाँ आ गया ये? करा है उन्हें। तो लेटर ये भी तो आ गया।